नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। प्राचीन समय से ही अतिथि का स्वागत, सम्मान और सत्कार हमारी पवित्र परंपरा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं, अतिथि संस्कृत का मूल शब्द है। इसे अंग्रेजी में गेस्ट कहते हैं और उर्दू में मेहमान। अतिथि का अर्थ है परिवराजक, सन्यासी, भिक्षु, मुनि, साधु, संत और साधक। प्राचीन काल में अतिथि का प्रयोग प्रायः बगैर तिथि बताए आने वाले संतों या आगंतुकों से किया जाता था। इसके अलावा यज्ञ के लिए सोमलता लाने वाले व्यक्ति को भी अतिथि कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में इसका अर्थ बदल गया है। अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो पहले कहा जाता था कि यदि आपके घर पर आपका दुश्मन ही क्यों ना आ जाए तो भी लोग उसकी आवभगत में कमी नहीं छोड़ते थे। अतिथि देवो भव कहावत आपने भी सुनी होगी। इसका मतलब है अतिथि देवता के समान होता है। घर के द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को भूखा लौटा देना पाप माना गया है। गृहस्थी जीवन में अतिथि का सत्कार करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार किसी सन्यासी को भिक्षा देना बहुत ही पुण्यप्रद माना गया है। किसी ऋषि, मुनि, सन्यासी, संत, ब्राह्मण, धर्म प्रचारक आदि का अचानक घर के द्वार पर आकर भिक्षा मांगना या कुछ दिन के लिए शरण मांगने वालों को भगवान का रूप समझा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुराने समय में स्वयं भगवान या देवता किसी ब्राह्मण, भिक्षु, सन्यासी आदि का वेश धारण करके आधमकते थे। तभी से ये धारणा चली आ रही है कि अतिथि देवो भव। भगवान कहते हैं कि घर आए मेहमान की सेवा करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। यही नहीं, इसके अलावा पुराणों में गृहस्थी जीवन में रहकर 5 यज्ञों का पालन करना बहुत ही जरूरी बताया गया है। 5 यज्ञों में से एक है अतिथि यज्ञ। वेदानुसार 5 यज्ञ इस प्रकार है: पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देवराज, तीसरा पृत यज्ञ, चौथा वैश्य देव यज्ञ, पांचवा है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ को पुराणों में भी जीव ऋण भी कहा गया है, यानी घर आए अतिथि, याचक तथा पशु पक्षियों का उचित सेवा सत्कार करने से जहां अतिथि यज्ञ संपन्न होता है वहीं जीव ऋण भी उतर जाता है। अतिथि से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अन्न जल देना होता है। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इससे सन्यास आश्रम पुष्ट होता है। ग्रंथों में इसे महापुण्य माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई अनजान व्यक्ति भी भूले भटके हमारे घर आ जाए तो उसे भी मेहमान ही समझा जाना चाहिए और यथासंभव उसका सत्कार करना चाहिए। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो अच्छी तरह से उसका सत्कार करें, क्योंकि मेहमान भगवान के समान है। मेहमान को कभी बिना खाना खिलाए ना भेजें, ऐसा करना भगवान के अपमान के बराबर होता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।